फ्रेंचाइज की तरफ जो टीम है वो जींद दूसरा क्वार्टर फाइनल इस समय महारानी लक्ष्मीबाई जींद वर्सेज कलंगा टॉस होता हुआ इस वक्त इन बेटियों को शिक्षा देते हैं कबड्डी की। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो शिका उछाला गया अकेडमी है जहां लगभग 90 बेटियां और यहां पे करती है बहुत बड़ी बात है। जींद ने जीता है टॉस। लुधियाना जिला जींद की तरफ जो टीम है वो चैंपियन स्पोर्ट्स अकेडमी कलंगा जो की हरी कोचों को उनकी टीमों को बधाई। चैंपियंस अकेडमी कलंगा की पहले रैडी इस वक्त जबरदस्त टक्कर है। दूसरा क्वार्टर फाइनल इससे पहले जो मैच हुआ उसमें जयपुर को पराजय का सामना करना पड़ा। अंजलि रेड पे है महारानी लक्ष्मीबाई अकेडमी की और बिल्कुल नाम बटेरी और बोला ने फेडरेशन कप हरियाणा की टीम में खेल चुकी है खिलाड़ी राम भतेरी। और अब रेड पर दो नंबर 21 नंबर जर्सी के खिलाड़ी अंशुमोर हरियाणा प्रदेश स्टार सीनियर नेशनल खेल चुके गोल्ड मेडल हासिल। और यहां पे अच्छा बल्ला किया स्टार को कैच किया तीन कैच लगाई है नवीन ने थर्ड हाथ काट रही है तीसरा रेड स्थिति और बिल्कुल इस मैच में चिंगारियां उठेंगी बहुत ही जबरदस्त प्रदेश की टॉप बेटियां इस समय कबड्डी की प्रतिभा दिखा रही गलती करता हुआ और पॉइंटर जीत किया चैंपियन स्पोर्ट्स अकेडमी कलंगा की टीम ने। कलंगा मजबूत होता हुआ शुरुआती समय में और अब रेड पर काफी और खास तौर से जो अंशु मोर को खिलाड़ी कैच किया वो और यहाँ पे छोड़ने वाला कोई नहीं चैंपियन नाम के मुताबिक प्रदर्शन करता हुआ स्कोर हवा का रुख तेज उतना ही तेज होता हुआ यहाँ पे कलंगा चैंपियन स्पोर्ट्स अकेडमी और यहाँ पे अच्छा कार्य किया शानदार टेकल ऐसा तालमेल चाहिए। और अब अंशु मोर फिर रेड पर चली हरियाणा प्रदेश की सुपरस्टार बेटी अंशु मोर पॉइंट के साथ घर वापसी बोनस कलंगा रेड पे फिर से लेकिन आक्रामक रूप खेल का शिवानी शानदार सीने को टच किया है क्या पॉइंट मिलेगा यहाँ पे नहीं जबरदस्त मुकाबला दोनों टीमों के बीच अंशु मोर हरियाणा प्रदेश की सुपरस्टार बेटियां ही मैच खेल हरियाणा में शिरमोर सुपरस्टार हरियाणा की लाडली बेटी गजब की रेडर और यहां पे मुजाहिरा पेश करते हुए देखिए नहीं बोनस तक नहीं प्रयास जरूर किया मगर क्रॉस नहीं कर पाई लाइन को इसलिए पॉइंट भी जो बोनस का मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। पचलंगी जिला झुंझुनू राजस्थान की सरजमी पे ये नेशनल स्टाइल ओपन गर्ल्स कबड्डी 2023 और कल यहाँ पे पुरुष वर्ग के कबड्डी मैच होंगे देखना ना भूलें। अगला मैच एआरजी वर्सेस अंबे क्लब ए अरे वाह अंशु मोर दो पॉइंट के साथ जींद की टीम को जींद वापस मैच में धीरे धीरे डो डायरेड पे अब कलंगा कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल लेकिन अच्छा बचाव पीछे जाते हुए डिफेंडर बोनस का प्रयास किया है देखते हैं आखिर रेफरी के क्या निर्णय रहता है। टच पॉइंट यहां पे शिवानी शानदार पॉइंट मंजीत 10 नंबर जर्सी में मंजीत हरियाणा प्रदेश की टॉप रेडरों में मंजीत का नाम है हरियाणा प्रदेश अपने बेहतरीन प्रदर्शन साइड लाइन से बाहर भेज दिया मंजीत को जैसे अंशु मोर को पहली रेड पे भेजा था उसी प्रकार और स्कोर की बात करें 4 पॉइंट जींद 5 पॉइंट कलंगा कलंगा एक अंक की बढ़त पे है मामूली अंतर लेकिन कलंगा की टीम अब तक के मैच में कांटे की टक्कर
अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। साथियों ये कोई आम मैच नहीं है, दोनों टीमों बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी हैं, बहुत ही जबरदस्त मैच। अंशु मोर इस समय रेड पर, अंशु एक बार फिर, अंशु मोर वन मोर पॉइंट नीटो, और यहाँ पे एक बार फिर से ढेर कर दिया अंशु मोर को नवीन, शानदार तरीके से टैकल करने में कामयाब। कलंगा शिवानी शानदार, शिवानी फॉरम में डिफेंस में रेड करती हुई, कदमों का इस्तेमाल लेकिन बहुत ही जबरदस्त मैच है। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को पता है कि ये मैच दो अंक की पड़ा था, टॉप टीमें खेल रही है कलंगा के पास। थर्ड रेड डू एंड आई रेड, अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हो जाए, एआरजी और अंबे क्लब ए। जबरदस्त मैच चलता हुआ साथियों, बिल्कुल सभी खिलाड़ियों को पूरे अनुमान है। अरे वाह, शानदार कैच लगा दिया जींद की टीम ने, टाई लगाते हुए इतने हाई वोल्टेज मैच के लिए कमाल का पॉइंट। आप सिर्फ बाहर से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वापस मैच में आता हुआ अंजाम दे रहे हैं जींद, उनके दिल और दिमाग में कबड्डी एक बहुत ही अभ्यास कर खिलाड़ी है। कलंगा के सामने अग्रेसिव खेल, पहले आपका खेल करीब 6 मिनट का खेल और उसमें एक अंक की मामूली बढ़त है कलंगा के पास। शिवानी डी में ही जाकर वापस, अगला जो मैच है वो एआरजी वर्सेस अंबे स्पोर्ट्स क्लब, थर्ड रेड टू एंड रेड दूधिया रोशनी में, और यहां कैच किया हवा, बहुत ही शानदार पकड़ नवीन अपने साथियों के साथ, एमडी यूनिवर्सिटी के कमाल का डिफेंस, यूनिवर्सिटी खेल चुकी है खिलाड़ी, तालमेल बेहतरीन नजर आता हुआ। कलंगा फिर से 4 के डिफेंस में सामना करता हुआ, पलड़ा थोड़ा सा इस समय कलंगा का भारी जींद के सामने। आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन दूधिया रोशनी में यह मुकाबला खेला जा रहा है इस वक्त पचलंगी झुंझुनू राजस्थान में। डू ऑर डाई रेड है इस वक्त 4 का डिफेंस, तो यहाँ घटने वाला है। लीजिए कैच किया है, छोड़ने वाला नहीं, रेड आउट इसी के साथ। जींद की झोली में एक अंक, और भाई इस समय मंजीत इस समय रेड पर, और यहाँ चारों खान ने चित किया है, साइड लाइन से बाहर भेजा। 7 नंबर जर्सी में रेड लेकर आगे बढ़ते भी अब साथ ये बिल्कुल बेहतरीन मैच है, बिल्कुल बराबरी का मैच है, 2 पॉइंटों से इस समय कलंगा की टीम आगे है, और उस 2 पॉइंट की लीड को लगाना जींद की टीम कभी भी धराशायी कर सकती है, वो दम है, वो टैलेंट है उन बच्चों में। शिवानी अब रेड पर है, शिवानी गांव कलंगा जिला पिहानी इस समय रेड पर। शिवानी शानदार फॉर्म में है, 4 का डिफेंस, चुनौती रोमांचक। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, डी में ही जाकर वापस, थर्ड रेड टू एंड आई रेड। और भाई जितने भी टीमों के कोच हैं जिनकी टीमें यहां पर आई है और काफी देर से 4 का डिफेंस देखने को मिल रहा है, इससे कब बाहर आएगा जींद, झपट्टा मारने की कोशिश, सेल्फ आउट यहाँ पे, और लीजिए साथियों एक और पॉइंट मिला कलंगा की टीम को, कलंगा के खाते में। दो डाई रेड पे चली हैं इस वक्त 36 नंबर जर्सी में, 3 अंक की बढ़त है कलंगा के पास। दो डाई रेड में देखते हैं और पहुंच गए नवीन को बाहर भेजा इस वक्त, करने का प्रयास किया विफलता मिली। शिवानी फिर से 4 का डिफेंस, दूधिया रोशनी में ये खूबसूरत बांधगी गर्ल्स कबड्डी 2023 पचलंगी झुंझुनू राजस्थान।
लेकिन शिवानी एक बार फिर खामोश कदमों से अनसुमो काफी देर से रेड लेकर आई हैं और इनका बनेरा ना जरूरी है जींद की दृष्टिकोण से। तेजी से आगे बढ़े और यहाँ देखते हैं क्या पॉइंट मिलेगा। ऑफिशियल है हमारे वो देंगे। कुछ हिदायत दी गई है यहाँ से, तो ऐसा लगा शायद गैप था दोनों के बीच, लेकिन कई बार खिलाड़ी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अंशु मोर बोनस डायरेड और स्कोर की बात करें जींद का स्कोर 8, केलंगा का स्कोर 9, 4 का डिफेंस 8, 9 का स्कोर और यहां साइड लाइन से बाहर भेज दिया। दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो चुका है। ताली बजाते हैं साथियों स्कोर लेवल इसी के साथ। दोनों टीमों का स्कोर 9-9 से हाफ टाइम पर स्कोर 9 पॉइंट केलंगा 9 पहुंची है। इनको बच्चों को इन खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं। और अब रोड पर साथियों बिल्कुल हरियाणा प्रदेश की वो सुपरस्टार बेटी सुपरस्टार इस समय रेड करती हुई बिल्कुल जबरदस्त खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन होनार बेटी है। जरूर आपको राष्ट्रीय स्तर तक नजर आएगी ये बेटी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है, गोल्ड मेडल जीत चुकी है, गोल्ड मेडलिस्ट है अंशु मोर। जबकि इधर से देखिए शिवानी जीत के लिए शिवानी, दोनों टीमों को पता है कि डिसाइड पर खेलना। एक बार फिर अंशु मोर मौके की तलाश में, सुपरस्टार हरियाणा प्रदेश की 5 का डिफेंस, लेकिन एक बार फिर खामोश कदमों से ही वापस शिवानी वही पुनरावर्ती डी में जाकर वापस, यानी डिसाइड रेड तेजी से आगे बढ़ी 36 नंबर की जर्सी में, लेकिन इतना आसान नहीं। पहले हाफ में 9-9 से स्कोर बराबर रहा, यानी किसी भी टीम को फायदा नहीं मिला और यहाँ चार दिशाओं से जीत किया केलंगा की टीम ने। अच्छी शुरुआत दूसरे हाफ में केलंगा की तरफ से भी थर्ड रेड रेड, केलंगा एक अंक की बढ़त पे शिवानी रेड। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ साथियों, बिल्कुल कबड्डी के जानकार जो है उनको पता है इस मैच के बारे में कि हरियाणा प्रदेश की जो वर्तमान की टॉप दो टीमें इस समय खेल रही हैं। देखते हैं आखिर महारानी लक्ष्मीबाई लगाना जिला जींद की बात हो चाहे केलंगा जिला भिवानी की बात हो, कैच किया है पॉइंट और जीत किया जींद की टीम ने शिवानी को बाहर भेजा। 10 पॉइंट जींद 10 पॉइंट, अच्छा कार्य किया अंशु मोर ने। अब रोड पर मंजीत, ये बेटी भी हरियाणा प्रदेश की तरफ से नेशनल खेल चुकी है, महेंद्रगढ़ में आयोजित हुई नेशनल प्रतियोगिता में हरियाणा को गोल्ड मेडल दिलाया। बेहतरीन बांधगी, एक बार उधर एक बार इधर, बेहद रोमांचक मैच, 10-10 से बराबरी पे। अंशु मोर रेड पे है 21 नंबर जर्सी में और 21 खिलाड़ी हैं। विपक्षी टीम की बात की जाए तो अंशु मोर हरियाणा की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नियंत्रण खोया इसलिए वापस और डी में ही जाकर मंजीत इस समय डिसाइड रेड करती हुई। बहुत ही हाई वोल्टेज मैच है, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को पता है कि कितना बड़ा मैच है। 30 सेकंड का समय लगातार निकलता हुआ और यहां सेल्फ आउट पॉइंट मिला केलंगा की टीम को, केलंगा को एक अंक। कैच करने की कोशिश और बहुत ही शानदार ब्लॉक जींद की टीम को, दोनों टीमों के लिए ताली बजाना। 11-11 लेवल स्कोर बेहद रोमांचक। अंशु मोर वन मोर पॉइंट चाहिए बढ़त के लिए जींद को,
कलंगा के सामने स्कोर है लेवल और यहाँ बाहर भेज दिया अंशु मोर को, पॉइंट मिला कलंगा की टीम को, अंशु को बाहर का रास्ता दिखाया। अब कलंगा एक बार फिर से बढ़त पे एक जीत का स्कोर 11 11 के मुकाबले 12 एक पॉइंट से कलंगा की टीम आगे है। शिवानी और इसके बाद टाइम आउट होगा। जी हाँ, टाइम आउट लिया कलंगा की टीम, कलंगा ने टाइम आउट लिया दोनों तरफ जींद की तरफ से, इससे रेड करती हुई और यहाँ पे पॉइंट के साथ वापिस एक अंक अर्जित किया। शानदार छलांग लगाते हुए शिवानी फिर से रेड पे, बेहद रोमांचक मैच कहता मुश्किल जीत किसकी झोली में होगी। ऐसे मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और उसी के लिए ये जंग जारी। शिवानी एक पॉइंट अर्जित किया है, पॉइंट दे रखा है। एक बार फिर से बढ़त पे कलंगा भाई, खिलाड़ी पहले डिसीजन से पहले कोई आर्गुमेंट ना करे। यहाँ भी पॉइंट मिला है, बोनस लिया, बोनस जी ने। अंतिम पांच मिनट का खेल बाकी, 13-13 स्कोर लेवल, तराजू की तरह मैच तुल गया है। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा आधा बंटवारा होता जब 500-500 ग्राम, फिलहाल तो ऐसा ही है 50-50। ब्रिटानिया 50-50, पहले हाफ में 9-9 से स्कोर लेवल था और अभी स्कोर देखिए 13-13 से लेवल है। और यहाँ पे एक अच्छा कार्य किया, शानदार कैच यहाँ पे दीप्ति द्वारा, और टाइम आउट लिया है यहाँ पे खिलाड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतीक्षा करते हुए अगले मैच के लिए और बेहद शानदार बांधगी यहाँ पे कबड्डी की, हवा का रुख लगातार गणना चलती हुई। 14-14 स्कोर है, 14-14 आखिरी 4 मिनट से कमजोर दिल का दर्शक मैदान से दूर जा, सुपर टेकल ऑन है स्कोर लेवल, वोल्टेज मैच है। अरे वाह, अरे भी कॉर्नर में खतरा कर दिया गया है, पॉइंट कलंगा की टीम को, बड़ा खतरा मंडरा का है जींद की टीम के सर, जींद के ऊपर यहाँ ऑल आउट हो गई तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वापसी करना आसान नहीं होगा अंतिम क्षणों में। समय तेजी से बढ़ता जा रहा है, 4 मिनट से भी कम का वक्त, एक अंक की बढ़त है कलंगा के पास, सुपर टेकल ऑन, सिर्फ 2 का डिफेंस, संकट तो है जींद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच में, काज करने कोशिश, ऑल आउट इसी के साथ और चौका लगा दिया, 4 पॉइंट यानी 5 अंकों की बढ़त इस वक्त। और यहाँ पॉइंट मिला है एक 19-14 का, 19-15 का स्कोर, 15-19 की लीड है यानी 4 जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। अरे वाह, गजब का टेकल, राखी ने कैच लगाई है, पॉइंट मिला जींद की टीम को, ये रेड महत्वपूर्ण हो सकती है। अब सिर्फ 3 अंक की बढ़त है, टच किया है, जी हाँ, अब सिर्फ 2 की बढ़त है, शिवानी रेड पे वापस धीरे धीरे मैच में जींद, 17-19 का स्कोर कलंगा के सामने। ये कैच यदि हो जाए तो फिर एक बार फिर से तुल जाएगा मैच। अंतिम 2 मिनट का खेल बाकी, अंशु मोर रेड पे है, काफी आगे चले गए थे, 19 का स्कोर, 1-2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ देखिए पॉइंट के साथ अब सिर्फ 1 का अंतर है, 1 पॉइंट की बढ़त कलंगा के पास, शिवानी रेड पे, शिवानी सरकार क्या करेगी यहाँ देखते हैं। अंशु मोर फॉर्म में आ गई है और उसी की बदौलत मैच में वापस, ग्रेट कमबैक, और ये लीजिए स्कोर लेवल 19-19
जींद, ग्रेट कमबैक और खतरा मंडराता हुआ, सुपर टेकल ऑन और नीचे बढ़त पे है इस वक्त 20-19 टाइम आउट इधाए देते हुए यहाँ पे टीम पर भारी, क्योंकि एक अंक की बढ़त है जींद के पास। लापरवाही कर गई कलंगा की टीम, उन्हें 3 मिनट का समय था और 5 पॉइंट गाइडेंस थी, तो बढ़त एक वक्त 5 अंकों की थी कुछ देर पहले, लेकिन यहाँ एक अंक की जींद के पास बढ़त हो गई है। अंशु मोर की तारीफ करनी होगी और ये लीजिए फिर से बेहतरीन बल्ला होगी यहाँ पे, हालांकि बोनस अर्जित किया 3 पॉइंट जींद की झोली में, 3 अंकों की बढ़त है। अंतिम 1 मिनट बाकी, 20-23 का स्कोर, स्कोर है 20-23, जीत लगभग तय है इस वक्त क्योंकि समय ज्यादा नहीं। 3 अंक की बेस कीमती बढ़त जींद के पास, कलंगा 5 अंक की बढ़त बनाने के बावजूद बैकफुट पे, जब लगभग 3 मिनट का खेल बाकी था उस वक्त 5 अंक की बढ़त थी, लेकिन यहाँ अब करो मरो की स्थिति हो गई है। गलती करता, अरे पहुंच गया लक्ष्य तक, 1 पॉइंट और वही स्कोर हुआ 21-23, ये अंतिम रेड होगा 21-23 का स्कोर। बेहद रोमांचक मैच, लेकिन यहाँ सुमोर पॉइंट के साथ 21-24 लीजिए इसी के साथ समय समाप्त, और सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई 3 पॉइंट से जींद ने यह मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। बहुत ही शानदार वापसी की, 5 अंक पिछड़ने के बावजूद जो कमबैक किया जींद ने वो लाजवाब, और अंशु मोर का इसका क्रेडिट जाता है, सेमीफाइनल का टिकट पक्का। शुक्रिया भैया जींद कैप्टन।